पोस्टमास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार शुक्रवार को वार्षिक निरीक्षण के तहत ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्य डाकघर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए ब्यावर डाकघर के कामकाज की सराहना की। निरीक्षण के दौरान पीएमजी ने डाक वितरण प्रणाली व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही कन्या समृद्धि योजना के खातों की स्थिति और डाक विभाग की विभिन्न जमा योजनाओं के निवेश आदि के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य डाकघर अधीक्षक कमलेश प्रजापत ने पीएमजी को वार्षिक निरीक्षण करवाते हुए विभागीय कामकाज की जानकारी भी दी। निरीक्षण के पश्चात पीएमजी कर्नल सुशील कुमार ने मुख्य डाकघर के कामकाज पर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान सहायक निरीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर कैलाश चौधरी, निरीक्षक रज्जाक मोहम्मद, सहायक अधीक्षक मुख्यालय ब्यावर घेवरचंद, सहायक अधीक्षक ब्यावर चंद्रेश मीणा, निरीक्षक नसीराबाद उपखंड सुमेर सिंह आदि भी उपस्थित रहे। ये एक वार्षिक निरीक्षण हम करते हैं सारे जो डिविजन्स हैं, और इस वार्षिक निरीक्षण के प्रोग्राम के तहत आज हमने ब्यावर डिवीजन को का निरीक्षण किया। और ये निरीक्षण का उद्देश्य रहता है कि डिवीजन की जितने डाक व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चले, वो सारे हम देखते हैं। और ये ब्यावर डिवीजन हमारे रीजन का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग डिवीजन बहुत समय से रहा है। यहाँ की व्यवस्था और जो डाक सिस्टम है जो भी, वो चुस्त दुरुस्त ही है, और उम्मीद है कि ये जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा। हम इसके लिए कटिबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। तो उसको हम देख लेते हैं कि कितने हमारे ट्रैफिक है उसके आधार पे, और हमारी लोग कितने उपलब्ध हैं, मैं इसका पता करके कुछ इसका समाधान करता हूँ। वो हमारी पॉलिसी के तहत हमने एटीएम ज़्यादा बढ़ाए नहीं है, वो भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही चल रहा है। हर हेड पोस्ट ऑफिस में एक एक डिवीजन है, तो यहाँ एक ही है, और बढ़ाने का सरकार की अभी पॉलिसी है नहीं डाक विभाग।